ओम भीम बगला मुझे सिद्ध स्थानम वाचक मुखम परमस्तम ही लग गया जय श्री राम जय हनुमान। हाँ भाई मित्रों, जय माता रानी की। भाई पहली तो ये बात कि अभी कोई मिलने नहीं आएगा, मैं जा रहा हूँ बाहर काफ़ी समय के लिए, तो जब तक मैं बताऊँ नहीं अब तक कोई मिलने नहीं आया। कल 7 लोग बेचारे फालतू लौट चुके हैं शाम को वापस, तो कुछ भी नहीं मिला उन्हें, ना मिल भी नहीं पाया मैं उनसे, मैं उनको नहीं मिला तो बाद में मालूम पड़ा मुझे, तो इसलिए फालतू में ना आए, परेशान ना हो, आपका समय जाएगा, पैसा जाएगा और काम बनेगा नहीं अब तक कोई भी, कभी मिल नहीं पाऊँगा तो काम भी नहीं होगा ना, तो इसलिए अभी नहीं आए। मैं लोगों को जो ग्रुप के माध्यम से 41 दिन की साधना करा रहा हूँ, तब तक मैं बाहर ही रहूँगा। नंबर बंद रहेगा, व्हाट्सएप से संपर्क में रहूँगा आपके, ठीक है ना। बाकी केवल कुंडली वालों का जवाब दूंगा या दीक्षा वालों को, बाकी नंबर बंद रहेगा मेरा, और उनको भी व्हाट्सएप से भी जवाब दूंगा। अगर किसी को कॉल करना होगा तो मैं अपनी तरफ से ही कर लूँगा, जो भी कुंडली वगैरह बतानी है, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे कुंडलियाँ समय नहीं रहेगा मेरे पास, तो कुंडलियाँ बताऊँगा मैं, ठीक है ना मित्रों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई ना आए फालतू में, अपना समय बर्बाद ना करें। जिनको टाइम दे रखा है उनके लिए सबके लिए कैंसिल, अभी जिनको भी मैंने टाइम मई जून का दे रखा है उन सबके लिए कैंसिल है अभी, क्योंकि अभी जब मैं आऊँगा तब बताऊँगा, तभी आना, ठीक है मित्रों। क्योंकि मैंने पहले भी कह रखा था मैं बाहर जाऊँगा, बहुत समय से कह रहा हूँ, तो अब मेरा प्रोग्राम बन गया है तो उसमें जाना पड़ेगा, ज़रूरी है। दूसरी बात, जो ग्रुप चल रहे हैं मेरे, तो उसमें जो अकाउंट नंबर जिस जगह जिस चीज़ के साथ दिए गए हैं, अगर वो मेरे प्रोफाइल पे ऊपर है तो ही उस पर पैसे डालें पेटीएम पर, बाकी जो नीचे कमेंट वगैरह में देते हैं लोग उनके उन पर ना डालें, ठीक है। बाकी वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि एक बार एक काली माता वाले ग्रुप में एक फ्रॉड कर चुका है कोई बंदा, खैर उसकी खबर तो ले ली जाएगी अच्छी तरह से, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। उसके वजह से बेचारे को नुकसान हो जाता है, लोगों को हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप बिना हमारे पूछे कैसे डाल सकते हैं, मतलब हमने दिया है जो नंबर उसी पर डालेंगे आप, किसी और के नंबर पर नहीं। तो आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी साधना यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, तो लगातार आएंगे, लेकिन वो साधना बाहर से मतलब बाहर जाके डालूँगा, आपको मालूम भी पड़ेगा किसी जगह के डर वो होंगे सर वीडियो। कई लोगों ने भाई पूछा है मुझसे कि सिद्धियाँ या शक्तियाँ कितने प्रकार की, क्या क्या होती हैं। मतलब सिद्धियाँ वैसे 16 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, 16 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, जिसमें अष्ट सिद्धियाँ विशेष होती हैं, ठीक है। अष्ट सिद्धियाँ जो हनुमान जी को थी, अष्ट सिद्धियाँ नव देती वो विशेष होती हैं। जैसे मैं आपको 16 प्रकार की सिद्धियों की जानकारी दे रहा हूँ, तो ये टाइम नहीं रहता मित्र, लेकिन मैं इतनी जानकारी दोनों चीज़ें आपको कि आप भी कहेंगे कि हाँ कुछ चीज़ होती है। देखिए सबसे पहली जो होती है, जिस सिद्धि में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, वो है बात सिद्धि। मैंने खुद मेहनत की है सिद्धि में, बाकी सिद्धियों की नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने माता सरस्वती का काफ़ी किया था, थोड़ा इसीलिए प्रभावी रहा, और ज्योतिष में भी ये काम आई मुझे, तंत्र में भी ये काम आई। सरस्वती की जो मतलब पूजा या सिद्धि होती है वो हमेशा काम आती है, कभी वो व्यर्थ नहीं जाती, भले आपको महसूस हो सिद्ध हुई या नहीं हुई, उसमें उसका कोई मतलब वो नहीं है, अंतर नहीं है, लेकिन वो काम जरूर आएगी, ये गारंटी है। पहली सिद्धि होती है मतलब बात सिद्धि, यानी कि जो भी वचन बोले जाएँ या जो भी मतलब तुम्हारी जबान से निकल जाए वो बिल्कुल सही हो, व्यवहार में हो, सही हो, और वचन कभी आपका खाली नहीं जाएगा किसी भी जगह पर, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ होगा, और मतलब ऐसा अर्थ होगा जो हर कोई नहीं समझा पाएगा, और ये न केवल साफ दे सकता है बल्कि बरदान भी दे सकता है, दोनों ही शक्तियाँ इसके पास होती है, क्योंकि वाक सिद्धि में साफ भी दे सकता है और बरदान भी दे सकता है, इस चीज़ को आप वाक सिद्धि कहते हैं, ठीक है। दूसरी सिद्धि होती है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का अर्थ यह है कि मेघा अर्थात दिमाग, स्मरण शक्ति, माइंड, बुद्धि, विवेक, तो ये होती है प्रज्ञा सिद्धि, ठीक है। स्मरण शक्ति बढ़ाने मतलब तेज वाली, और जो भी ज्ञान के जितने भी विषय हैं सब विषयों का ज्ञान होना तुम्हारे दिमाग में, वो प्रज्ञा सिद्धि होती है, वही प्रज्ञावान कहलाता है जिसको सब विषय का ज्ञान होता है,
जीवन के संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं सबका ज्ञान बनाना है, वो प्रज्ञा सिद्धि। एक होती है दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि सिद्धि का मतलब है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन मनन किया जाए या उसका जानना हो तो उसका भविष्य वर्तमान आपके सामने एकदम स्पष्ट वीडियो की तरह आ जाए कि आगे क्या है, क्या होगा, क्या करना है, पीछे क्या हो चुका है। ये सिद्धि भी कठिन होती है और दिव्य दृष्टि मतलब बन जाती मिल जाती है आदमी को, क्योंकि ये समझ लीजिए ऐसा वो बन जाता है बहुत अच्छा बनता है। इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इसके साइड इफेक्ट ये नहीं है कि इसमें बुरा होता है, बल्कि ये होता है कि आप वो चीज़ें भी जान जाते हैं जो आपको नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है आदमी को फिर हर आदमी छल वाला लगने लगता है, हर आदमी पप्पी, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर आता है आपके पप्पी कभी ना कभी, क्योंकि सब चीज़ें आपके बीच में लग जाती हैं। आपको ये मालूम पड़ता है कि आपकी पत्नी आपकी बुराई करती है, जैसे अपनी सहेलियों से वगैरह वगैरह, आप पत्नी को लगता है कि आपका पति आपको बुराई करता है, जिसको भी ये चीज़ें होगी उसको सारा भूत भविष्य वर्तमान देते हैं, जो हकीकत होती है वो दिखने लग जाती है, तो वो उसका मन संसार से हटने लग जाता है। तो ये सिद्धि के सारे डिफेक्ट हैं। आपको दोस्त आपको बुरे लगने लग जाते हैं, अरे वो तुम्हारी बुराई करता है पीछे से, तो वो सब चीज़ें होती हैं मित्रों, क्योंकि ऐसा तो संसार में होता ही रहता है, तो वो सब चीज़ दिखेंगी आपको, महसूस होगी, तो इसलिए ये सिद्धि जरा नुकसान भी हो जाता है इसका, दोनों संसार से उसका मोह और दबाव हो जाता है। एक होती है दूर सवा, यानी दूर से बैठे बैठे सुनने की सिद्धि, किसी भी चीज़ को सुन लेना। इसका मतलब ये होता है, इसका तात्पर्य ये है कि भूतकाल से रिलेटेड कोई भी घटना और वार्तालाप पुनः सुनने की क्षमता, बल्कि जो चल रहा है वार्तालाप कहीं जाएगी इस समय, मतलब वो भी वार्तालाप सुन सकते हैं, कहीं चल रहा है जैसे आपके लिए वार्तालाप इस समय, तो वो सुन सकते हैं आप। तो ये सिद्धि भी अच्छी होती है, इसको कम करते हैं लोगों। जल गमन सिद्धि, जो पुराने ऋषि मुनि थे जल पानी पे चलते थे ना, आपने देखा था ना, तो जैसे वो चलते हैं ना जमीन जमीन धरती पे चलते हैं, हम लोग जमीन पे चलते हैं, फर्श पे चलते हैं, उस तरह से वो चलते हैं पानी पर, ये योगियों के पास होती है सिद्धि, और जल गमन सिद्धि कहते थे उसे। कोई भी योगी बस देखे होंगे आपने समुद्र पर जो चल जाते, कभी जल गमन सिद्धि का ही प्रभाव था। अभी कहता सबसे बड़ी सिद्धि, तो बड़ी सिद्धियों में चलाती है वायु गमन सिद्धि, इसके बहुत कम आदमी देखने को मिले हैं। अपने शरीर को इतना हल्का बना लेते हैं और इतना हल्का होता है उन योगियों का शरीर, और वो सूक्ष्म रूप में परिवर्तन करते हैं अपने शरीर को, इस जगह से उस जगह में कहीं भी जा सकते हैं, तो बहुत तत्काल रूप से। तो ये होती है वायुगमन सिद्धि। अदृश्यकरण सिद्धि, जिसमें अदृश्य हो जाता आदमी, अपने शरीर को एकदम बारीक करके, एकदम सूक्ष्म करके, उसको एकदम वायु रूप में परिवर्तित कर देते हैं ना, तो उसको कहते हैं अदृश्यकरण सिद्धि। तो इसमें क्या होता बात हूँ, इसमें ये होता है कि आप अपने को अदृश्य कर देते हैं अपनी शक्ति द्वारा, जिससे स्वयं की इच्छा बिना, अपने मन के बिना कोई आपको देख ही नहीं सकता जब तक अपनी आप नहीं चाहें। विशोका सिद्धि होती है, मतलब जैसे आप अभी जा रहे हैं तो आपको हाथी का रूप बनाना है, तो आपने तुरंत हाथी का रूप बना लिया। आपको बकरे का रूप बनाना है, आपने बकरे का रूप बना लिया। एक रूप से दूसरे रूप में तुरंत परिवर्तित होने की सिद्धि विशोका सिद्धि कहती है, मतलब रूप बदलने वाली सिद्धि। तो ये भी महत्वपूर्ण होती है, जो कई लोगों के पास थी पहले। देव दर्शन सिद्धि, तो देव दर्शन सिद्धि में जो होता है इस क्रिया का, मतलब हर किसी को ज्ञान भी नहीं होता ना, तो बहुत कम को होता है किसी भी देवता का कहीं पर भी, मतलब वो उनको न केवल देख सकता है, उनसे वार्तालाप भी कर सकता है और उन्हें अपने अनुकूल भी बना सकता है, उनकी सिद्धि साधना करके उनकी जल्दी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। जो देव दर्शन सिद्धि होती है ये बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि इतना आदमी के ऊपर पावर मन में कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीज़ों को कर पाए, ये चीज़ें ज़रा मुश्किल ही होती हैं। अब ये होती है कायाकल्प सिद्धि, ये बहुत आसान है, ये सिद्धि है बहुत आसान कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का आप मतलब समझते हैं, मतलब शरीर में कैसा भी कभी भी परिवर्तन कर जाए, अपने जो समय के हिसाब से शरीर चलता है, धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, जर्जर होता जाता है, उसको उस प्रभाव से बिल्कुल मुक्त कर लेना। और अगर आपको ये सिद्धि सिद्धि की, ये हनुमान जी की सिद्धियों में भी आती है, कामदेव की सिद्धि में आती है, कृष्ण भगवान जी तीनों की सिद्धि आती है इसमें, तीनों का मंत्र है इसके लिए कायाकल्प के लिए। तो शरीर सदैव एकदम नया युवा जैसा रहता है इसमें, और सम्मोहन शक्ति भी आपकी शरीर में एकदम
आपका आकर्षक व्यक्तित्व होता है, क्योंकि आप जवान बने रहते हैं, भले ही 60 साल के हों, वो भी जवान रहेंगे 20 साल जैसे। तो ये बहुत ज़रूरी सिद्धि भी है कायाकल्प सिद्धि आजकल के ज़माने के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सम्मोहन सिद्धि। तो सम्मोहन का तात्पर्य सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया, सबके ऊपर दिमाग पे अपने आप को छा जाने की क्रिया, कला। ये कला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह होता है हमारा प्रभाव नहीं पड़ता किसी व्यक्ति पर, लेकिन सम्मोहन सिद्धि से वो प्रभाव पड़ता है। गलत काम के लिए कभी इसका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। जिनके पास ऐसी सम्मोहन सिद्धियाँ होती हैं ना, वो लोग आदमी की छोड़ो जानवर पशु पक्षी सबको अपने उसमें कर लेता है, सम्मोहन में ले लेता है। और एक होती है गुरुपद सिद्धि। गुरुपद सिद्धि, गुरु पद का बात ताकत होता है ना, तो गुरु के पद ऐसी सिद्धि है, एकदम गर्मामान व्यक्तित्व, ऊर्जावान व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति को देखते ही आदमी ठगे के ठगे रह जाए, ज्ञान का भंडार वाली व्यक्तित्व, ज्ञान देने की क्षमता, सामने वाले को बताने की क्षमता, गुरु तत्व सिद्धि इसी को कहते हैं, गुरुपद सिद्धि को इसे कहते हैं। आपको मालूम भगवान कृष्ण थे जो, उनको जगत गुरु कहा गया, और जो हनुमान जी थे उनको सर्वतंत्र गुरु कहा गया, महाकाल हैं उनको सर्वदेव गुरु कहा गया। तो इसी हिसाब से सिद्धि पे बनी थी गुरु तत्व सिद्धि, गुरु पद सिद्धि। इन लोगों के सानिध्य में आने पर हर व्यक्ति को ज्ञान का उदय होता है, यही गुरु तत्व सिद्धि का प्रभाव होता है। एक होती है अब सर्व गुण संपन्न सिद्धि। इसमें तीन देवता काम करते हैं, इसमें करते हैं एक भगवान विष्णु, दूसरी करती है माता लक्ष्मी, तीसरे करते हैं हनुमान जी बाबा। तो इसके वो क्या होते हैं लक्षण या चीज़ क्या होती है, उस जिसके पास ये सिद्धि होगी उस व्यक्ति में बहुत कुछ होता है, जैसे सुंदरता, तेज, दया, दृढ़ता, कठोरता, ओज, बल, तेजस्विता, आत्मबल, और इन्हीं गुणों के कारण वो सारे विश्व में, सारे संसार में विख्यात होता है, अद्वितीय बन जाता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। हर कोई उसकी वाणी से प्रभावित होता है, सब गुण संपन्न सिद्धि होती है, हर काम जानता है वो, खाना बनाने से लेके बर्तन मांजने तक हर चीज़ उसके लिए बाया करती रहती है, हर चीज़ को वो तुरंत सीख जाता है। और एक होती है मित्र इच्छा मृत्यु सिद्धि, जैसे भीष्म पितामह को थी। और इस कला से जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण काल जयी होता है, उसका काल के ऊपर वो होता है बन, मतलब काल को जीता हुआ होता है वो, जब वो चाहता तभी शरीर का त्याग करता है, तो नया शरीर का धारण कर सकता है तुरंत के तुरंत, तो उसको इच्छा मुक्ति सिद्धि कहते हैं, जिसको कालजयी सिद्धि भी कहते हैं या काल बंधन सिद्धि भी कहते हैं। ये सिद्धि हर किसी के पास नहीं होती है, वो उसी के पास होती है जिसने कम से कम हजारों साल तक किया हो उसके लिए, तो वो आजकल के ज़माने में संभव नहीं है कालजयी सिद्धि करना। क्योंकि होता क्या है ना मित्रों, कि हमारा हम लोगों का विचार ऐसा हो गया है, मन संकीर्ण हो गए हैं, सोच विचार खत्म हो गए हैं, हम जी नहीं सोच पाते कि हमें क्या अच्छा है क्या अच्छी बुरा है हमारे लिए। और साधनाओं की हम मूल चीज़ें भूल गए, अज्ञान में फंस गए, उल्टी सीधी धाराएं पकड़ ली हमने, हर किसी का मतलब विश्वास जल्द उल्टे सीधे लोगों का जल्दी करना सीख गए, अच्छे लोगों पर विश्वास नहीं रहा, जरा सी बात पे गुरु से विश्वास हट जाता है, जरा सी बात पे मित्रों से विश्वास हट जाता है, जरा सी बात पे भाई बहनों से विश्वास हट जाता है। तो ऐसे में सिद्धियाँ नहीं मिलती मित्रों, ऐसे में सिद्धियाँ की बजाय फिर उल्टी चीज़ें मिलती है, गंदी चीज़ें। आपको ये तक नहीं मालूम होगा कि कौन सी दशा में, मतलब आज मैंने ये यूट्यूब पर जो सर्च किया है सालों में,
सालों तक मैं 7 साल से 6 साल से सर्च करता हूँ ये सब चीज़ें नेट पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। मैंने ये देखा कि आपको कई जगह पर ये भी नहीं बताया जाता कि कौन सी दिशा में मतलब साधना करने से बैठ कर क्या मिलता है, मतलब ये भी पूरी जानकारी नहीं दी जाती। वो तो यहाँ समझिए मैं आपको जगह से साधना कराता हूँ, वो तो बंधन बांध के कराता हूँ, सारी चीज़ें अपनी अपनी करके कराता हूँ साधना, ताकि आपको उसका कोई दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट ना हो। इसीलिए मैं इतने अनुभव के साथ चलता हूँ, लोगों के अनुभव आते हैं उनको मैं डालता नहीं हूँ उसमें, क्योंकि अनुभव डालने से वो चीज़ें कमज़ोर पड़ती हैं। कहते हैं ना ये अनुभव गुरुगम्य होते हैं और गुप्त होते हैं, तो मैंने कभी भी अपनी साधना के पूरे अनुभव नहीं डाले कभी भी, क्योंकि वो बंधन होता है उसका। और जो साधनाएं होती हैं उसका भी एक हिसाब होता है, कौन सी दिशा में क्या होता है। जैसे लोगों को पूछते रहते हैं मुझसे, गुरु जी ये बताइए हम दक्षिण में करें उत्तर में करें, तो सुनिए मैं तो थोड़ा सा जानकारी हल्की सी दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। आप अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे तो उसके लिए कौन सी किस चीज़ के लिए होता है मालूम, वो होता है उन्नति के लिए, ज्ञान के लिए। और ज्ञान से संबंधित जितनी साधना होती है वो उत्तर की तरफ मुख करके अपने आप कर सकते हैं बिना किसी के बताए। दक्षिण में, दक्षिण में कोई बड़ा काम हो, कठिन काम हो, शत्रु का नाश, शत्रु के लिए हो नुकसानदायक चीज़ करनी हो, या फिर ऐसी चीज़ हो कोई भयंकर बाधा काटनी हो, भयंकर प्रयोग हो, काली काल भैरव, शमशान भैरव, शमशान काली इनका, तो वो दक्षिण की तरफ मुँह करके दिया जाता है, तो उससे तुरंत बंधन करते हैं। पितरों का जितना कार्य है वो सब दक्षिण मुख करके दिया जाता है। पूर्व में मान सम्मान धन वैभव प्रतिष्ठा और देवता की कृपा, इसके लिए पूर्व में मुँह करके दिया जाता है। इसमें पश्चिम में मतलब पूर्व में मुँह करके दिया जाता है। अब आइए पश्चिम में, पश्चिम में लक्ष्मी की प्राप्ति, कामदेव की आराधना, कृष्ण भगवान कृष्ण की आराधना और लक्ष्मी और वैभव विलासिता संबंधित जितने कर्म हैं वो सब पश्चिम की तरफ मुख करके दिए जाते हैं। नैसत्र में जो धर्म नैतिकता से संबंधित जुड़े जो कर्म होते हैं वो नैसत्र दिशा की तरफ किए जाते हैं, ठीक है। और जो वायव्य दिशा होती है वैभव लक्ष्मी सम्मान उच्च प्रतिष्ठा, वो वायव्य की तरफ किए जाती है। ईशान कोण में, ईशान कोण होता है ना उत्तर और पूर्व के बीच में होता है, उसको ईशान कोण करते हैं। ईशान से ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष, भगवान की प्राप्ति, ईश्वर का सानिध्य, ये सब ईशान कोण में किए जाते हैं। और जो आकाश कोण होता है जो ऊपर की तरफ, उससे उसकी तरफ मुँह करके जो साधना की जाती है उसका बड़ा प्रभाव है। ब्रह्मांड की शक्तियों का जगह, ब्रह्म में ध्यान लगाना, ब्रह्मांड के अंजुल के रहस्यों को जानना, ब्रह्मांड की तरफ जाना और बड़ी बड़ी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करना, उसको आकाश में ध्यान लगाना चाहिए, आकाशा की तरफ ऊपर की तरफ। और पाताल की तरफ जो सिर करके नीचे की तरफ देखते हुए करता है, उसको विशेष गुप्त विधियाँ, ऐसी चीज़ें जो मालूम नहीं होती पाताल के गर्भ में छुपी हुई हैं, वो सब मालूम करने के लिए नीचे की तरफ मुक्का लगा करके लगा। धरती जब धरती संबंधित जितने भी कार्य पाताल की तरफ मुक्का तो किए जाते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब धीरे धीरे आपको मैं बताऊँगा इस तरह से, आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए धीरे धीरे। मैं तो चाहता हूँ आपको बताने का, चलिए कोई टेंशन नहीं है मित्रों, आप लगे रहिए अपने, और मैं तो आपको धीरे धीरे जानकारी जितनी हो सकती है समय मिल पाता है मुझे देता ही हूँ मैं तो। जय श्री राम, जय हनुमान। जाते जाते आपको हनुमान जंजीरे का थोड़ा सा पाठ सुना दूँ। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान ब्रज बारे का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल कर लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूध, छिन्न तीनों नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान, ओंकार ओंकार ताकि लोहा लंका, तीर जटा डगडेर उमर गाजे, बज्र की कोटि बज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नाल चंपे ने सीन, अजरा धरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी, लखनऊ कुमार हनुमान गए। अच्छा, इसके बारे में एक बात बता दूँ आपको मित्रों, वज्र की कोठरी ब्रज का ताला है, ध्यान रखना इसमें आप वज्र का ही ताला मत कर देना, क्योंकि कई जगह से ये प्रश्न आता है कि वज्र की कोठरी है और वज्र का ही ताला नहीं, ब्रज का ताला, ब्रज का ताला, क्योंकि इसमें यही तो सावर मंत्र की विशेषता है, इसमें जरा भी आपने सही करने की कोशिश की और बिगड़ जाएगा मंत्र, तो उसी तरह होता है। तो आप इसे करें, आराम से करें, कोई टेंशन नहीं है। और ये हर बाधा को काटने के लिए होता है, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह सिद्ध करना पड़ता है। इसकी तीन माला रोज़ करिए, अगर आपको इसका पूरा प्रभाव देखना, तीन माला रोज़ करिए 11 दिन तक, तो बहुत देर लगेगी आपको, कम से कम तीन घंटे के आसपास लग जाएगा, 3-3.5 घंटे, लेकिन चमत्कार आपको इसका दिखेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। चलो मित्रों, जय माता रानी की, नमस्कार।